दोस्तों, क्या कभी आपने एक खीरा 30 किलो का और एक कद्दू 60 किलो का देखा है? मुमकिन है आपने कभी इतने बड़े कद्दू या खीरा या फिर पत्ता गोभी के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसे जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल अमेरिका के एक स्टेट अलास्का में किसान जो भी सब्जियाँ उगाते हैं उसका वजन पूरी दुनिया की सब्जियों से काफी ज्यादा होता है। तो आखिर अलास्का में किसान इतनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ कैसे उगाते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर अलास्का में किसान कैसे इतनी वजनी और भारी भरकम सब्जियां उगाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राज्य अलास्का में वैसे तो काफी कम खेती की जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे वजनी सब्जी उगाने का रिकॉर्ड अलास्का के किसानों के नाम दर्ज है। अलास्का में किसी किसान के नाम सबसे वजनी खीरा उगाने का रिकॉर्ड दर्ज है तो किसी ने पूरी दुनिया के किसानों में सबसे वजनी कद्दू उगाया है। इसी तरह कुछ किसानों के नाम सबसे वजनी पत्ता गोभी उगाने के लिए भी रिकॉर्ड में दर्ज है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अलास्का के एक किसान ने 30 किलो का एक खीरा उगाया था, वहीं एक कद्दू का वजन लगभग 61 किलो रहा था। इतना ही नहीं, एक किसान ने तो 32 किलो वजनी पत्ता गोभी भी उगा लिया था। यहाँ के किसान सिर्फ एक दो सब्जियाँ ही इतनी बड़ी नहीं उगाते हैं, बल्कि इनके खेतों में जितनी भी सब्जियाँ होती हैं उनका आकार और वजन सामान्य से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप अलास्का के किसानों के खेत में उगने वाले एक मामूली खीरे को भी देखेंगे तो उसका वजन और आकार हमारे यहाँ पाए जाने वाले खीरे से कई गुना ज्यादा होता है। इसी तरह अलास्का में जो कद्दू उगाया जाता है वो भी हमारे यहाँ पाए जाने वाले कद्दू के मुकाबले कई गुना ज्यादा वजनी होता है। हमारे यहाँ जो कद्दू पाए जाते हैं उसका औसतन वजन 1 से 5 किलो तक ही होता है, लेकिन अलास्का में पाए जाने वाले कद्दू का औसतन वजन 40 से 50 किलो तक होता है। यहाँ उगने वाले एक कद्दू का अधिकतम वजन 61 किलो था, जिस कारण इसे दुनिया का सबसे वजनी कद्दू होने का अवार्ड भी मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलास्का में सिर्फ खीरे, कद्दू या पत्ता गोभी ही विशाल आकार के नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा कई और तरह की सब्जियां हैं जिनका वजन सामान्य से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अमूमन जितनी भी सब्जियां गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं, उन सब का आकार सामान्य से कई गुना ज्यादा होता है। अब ऐसे में यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर अलास्का की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहाँ उगने वाली सब्जियां इतनी वजनी होती हैं? तो चलिए अब फाइनली हम आपको बताते हैं कि आखिर अलास्का की मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ उगने वाली सब्जियां इतनी विशालकाय होती हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में वो कौन सी जगह है जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है? अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं पता तो चलिए आगे इसका जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जगह अमेरिका का अलास्का राज्य ही है। यहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। वैसे तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन इतनी सच्चाई जरूर है कि जब यहाँ गर्मी के दिनों में दिन उगते हैं तो यहाँ दुनिया के सभी जगहों से ज्यादा समय तक सूरज उगा ही रहता है। वहीं जब यहाँ ठंडी के मौसम में रातें आती हैं, तो रात दुनिया के सभी देशों के मुकाबले ज्यादा लंबी होती हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ये जीके वाला सवाल जवाब हम आपसे क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि असल में अलास्का में सब्जियों के इतने भारी भरकम होने के पीछे की वजह इसी सवाल में छुपी हुई है। दरअसल अलास्का अमेरिका का वो राज्य है जहाँ गर्मी के दिनों में सूर्य 20 से 22 घंटे तक उगा रहता है, जबकि ठंडी के मौसम में यहाँ 20 से 22 घंटे तक रातें होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अलास्का पृथ्वी पर नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ दिन और रात में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। रात और दिन में इतना ज्यादा अंतर होने की वजह से अलास्का में खेती बाड़ी के लिए अनुकूल मौसम औसतन साल में सिर्फ 105 दिन ही रहता है। वहीं अमेरिका के दूसरे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल दिनों की बात करें तो कैलिफोर्निया तथा इसके आसपास के राज्यों में साल में लगभग 300 दिन खेती के लिए अनुकूल होते हैं। ऐसे में अब एक सवाल आता है कि जब अलास्का में सिर्फ 105 दिन ही खेती के लिए मिलते हैं तो फिर यहाँ इतनी विशाल सब्जियाँ कैसे उगती हैं? दरअसल इसकी वजह ये है कि अलास्का में सिर्फ वही खेती की जाती है जो गर्मी में हो और ज्यादा देर तक धूप झेल सके। अब जब गर्मी का मौसम होता है तो अलास्का में एक दिन में सूरज लगभग 20 घंटे से ज्यादा समय तक उगा रहता है। सूरज के इतने लंबे समय तक लगातार उगे रहने का फायदा ये है कि लंबे समय तक धूप रहने
की वजह से पेड़ पौधों के आसपास प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए ज्यादा समय होता है। अब जब पेड़ पौधे एक दिन में औसतन 20 घंटे से ज्यादा समय तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, इस कारण उनका विकास काफी तेजी से होता है। अब चूंकि पेड़ पौधों के पास प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सामान्य से काफी ज्यादा समय होता है, तो निश्चित है कि पेड़ पौधे जितनी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे उनका विकास भी उतनी तेजी से ही होगा। साथ ही इसमें उगने वाले फल भी बहुत ज्यादा बड़े होंगे। यही वजह है कि यहाँ उगने वाली सब्जियों का आकार बेहद कम समय में ही सामान्य से कई गुना ज्यादा होता है। वैसे अगर आप प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए पेड़ पौधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं और फिर ये शुगर में कन्वर्ट होता है, जिससे पेड़ पौधों का विकास होने के साथ साथ इसमें उगने वाले फलों इत्यादि का भी विकास होता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर अलास्का में उगने वाली सब्जियां इतनी विशाल कैसे होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नई जानकारी मिली है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी के बारे में जान सकें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपके लिए हम इसी तरह के वीडियो लगातार लाते रहें। तो मिलते हैं अगली जानदार शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए यू थिंक हिंदी।